चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज। इस समय बड़ी खबर आ रही है अनुदेशक से संबंधित। अनुदेशक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया गया, 3 साल बाद वापस किया है हाई कोर्ट लिए 32,000 अनुदेशक भर्ती का मामला। यहां पर आपको बताना चाहेंगे 32,000 शारीरिक शिक्षक अनुदेशक भर्ती का मामला ये सुप्रीम कोर्ट से वापस किया गया है। पुनः हाईकोर्ट के लिए 3 साल बाद हाईकोर्ट लौटा 32,000 अनुदेशक भर्ती का विवाद। 4,000 उर्दू शिक्षक की भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने लौटाया है। पुनः अब हाई कोर्ट इनकी सुनवाई करेगी। 32,022 अनुदेशक भर्ती के विवाद पर फिर से होगी सुनवाई। प्रयागराज से समाचार है। शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूल में शारीरिक शिक्षा विषय से 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 साल बाद वापस हाईकोर्ट भेज दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है इस समय। साथियों, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। अनुदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी, जो रख के आपको हर पल हर खबर से अपडेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तमाम पेपरों ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। आप देख रहे होंगे अंशकालिक अनुदेशक भर्ती 2016 में, सितंबर 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और राज्य सरकार की अपील पर 2019 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना गया था। अब जाकर 3.5 साल बाद इस पर फैसला आया कि पुनः याचिका हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उनसे अपील करना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही बताना चाहेंगे पहले से लंबित याचिकाओं में जल्द सुनवाई की जाएगी। अंशकालिक भर्ती अनुदेशकों की 19 सितंबर 2016 को शुरू की गई थी। तत्कालीन सपा सरकार ने शारीरिक शिक्षा पद पर, शारीरिक शिक्षा खेलकूद के पद पर 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इन्हें 11 महीने के लिए ₹7,000 प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति मिलनी थी। इसके लिए 1,53,739 बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड डिग्री धारकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 2017 में हुई चुनाव के बाद सत्ता बदली तो 23 मार्च 2017 को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिका की, जिस पर हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार ने भर्ती शुरू करने की बजाय हाई कोर्ट में स्पेशल अपील डायल कर दी। माननीय हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल 2018 को सरकार की स्पेशल अपील खारिज करते हुए फिर से 2 महीने में नियुक्ति का आदेश दिया था। इसके बाद अनुदेशकों के इस मामले को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 अगस्त 2019 को पहली बार इस मामले की सुनवाई हुई थी। बीपीएड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र यादव का कहना है कि कानून पर हमें पूरा भरोसा है। 32,022 अनुदेशक भर्ती निरस्त करने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में नए सिरे से हम सभी अनुदेशक चुनौती देंगे। तो साथियों, आपने देखा ये मामला किस तरीके से रोका गया है भर्ती का। और यहीं पर एक खबर आ रही, उर्दू शिक्षकों का मामला भी लौटाया। प्रयागराज से समाचार है। सर्वोच्च न्यायालय ने 32,022 अनुदेशकों के साथ ही परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय के 4,000 सहायक अध्यापक की भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उर्दू शिक्षक भर्ती हुई थी। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद 23 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लगा दी थी। यानी कि कहना चाहेंगे जितनी भी सपा सरकार में भर्तियां हुई उसे बीजेपी सरकार ने आके रोक लगा दी है। ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट से वापस आ रहे हैं, 2 मामले ये बड़े, और अब पुनः हाई कोर्ट में इनको सुना जाएगा। आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज़ पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।